मज़ेदार से कलमी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 250 ग्राम चने की दाल, उसे 4 घंटों के लिए भिगो दिया था। और इसके बाद हम इसका मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। हमें फाइन पेस्ट बनाना है, लेकिन पानी बहुत कम यूज़ करना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक फाइन पेस्ट इसका बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत कम पानी यूज़ करके यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज, बारीक चॉप की हुई प्याज। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है आलू, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये भी हम इसमें डालेंगे। 3 छोटे चम्मच हम इस तरीके से ले लेंगे आलूओं के। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हैंडफुल खूब सारा पुदीना। जी, इसमें हरा धनिया नहीं, हम पुदीना यूज़ करेंगे। और फिर इसके बाद ये है 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 टुकड़ा अदरक का, वो भी हमने बारीक काट लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये है 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये है 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ये है 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हॉट ऑयल, गरम थोड़ा सा ये तेल है, 1 चम्मच बस हम इसे ऐड करेंगे। और अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। एटलीस्ट 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मिलाते रहना है, सब सामान को अच्छे से फेंटना है, अच्छे से सब मिक्स करना है 5 मिनट तक। और यहाँ पर देखिए, 5 मिनट तक मैंने अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। और अब हम तेल गरम करेंगे और अब इन्हें फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है हमें इन्हें, सिंपल आप समझ लीजिए जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा लंबा शेप देते हुए स्पून की हेल्प से हम छोटे छोटे सेक्शन डालेंगे बैटर के। और इस तरीके से तेल को हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, बस अच्छे टेम्परेचर पे तेल को गर्म करके गोल्डन ब्राउन होने तक, करारे होने तक हमें इन्हें सेकना है। बहुत ही टेम्पटिंग और एक अलग फ्लेवर आपको मिलेगा। आप इफ्तार में और इवनिंग स्नैक्स में इन्हें ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इस स्टेज पे हम इन्हें निकाल लेंगे यहाँ पर। और ऐसे ही हम सारे अपने जो भी हम अपने कबाब तलेंगे उन सबको तल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमारे कलमी कबाब एकदम रेडी हैं। ऊपर से हम चाट मसाला स्प्रिंकल करके सर्व कर सकते हैं, और दही और हरे धनिए की चटनी के साथ तो ऑसम इसका कॉम्बिनेशन है। आप ज़रूर ट्राई करें, रमज़ानों में इफ्तार के वक्त की बहुत अच्छी ये रेसिपी है। तो अगर आपको ये रेसिपी, ये नया स्नैक आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर। अल्लाह हाफिज़।